नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। मिजोरम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता ने किया मतदान। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम नहीं बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। दीपोत्सव से पहले 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। पंजाब में 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी आज सूरजपुर का करेंगे दौरा। नेतन्याहू बोले अगर मध्य पूर्व आतंक की धुरी पर गिर गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा। पटना में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर ने पहली बार किया मतदान। भारत में वापस नहीं आने देंगे बाबर और औरंगजेब का शासन, बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीबीएन 24।